अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, ये हमारा एक उस्ताद है, तो ये जो देसी बेर होती है इनको पैवनी करने का एक आसान तरीका और फार्मूला इनके पास मौजूद है। तो ये बड़े बड़े अच्छे देसी बेर तैयार होते हैं, तो ये कलमे बनाकर और ये लगाते हैं। देखें, ये लगाने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर कोई लगाना चाहे ख़ुद भी लगा सकता है, लेकिन उस्ताद साहब को बनाएंगे तो उस्ताद साहब को फीस भी देनी पड़ती है और उस्ताद को एक स्पेशली चाय भी पिलानी पड़ती है। जी उस्ताद साहब माशाल्लाह हमारे इलाके में लगा के गए थे कल में, यकीन जाने अजीब गरीब किस्म के जो है बेर लग गए थे, यकीन जाने अल्लाह याद आता है। इस उस्ताद के हाथ की बरकत ऐसी है ना, यकीन जाने। आप लोग इसके अपने मोबाइल नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, तो अगर किसी को चाहिए देसी बेरों को पेवनी करवाने के लिए, नींबू, माल्टे, किसी भी फ्रूट, किसी भी चीज़ का दरख्त जो भी हो ना, तो साथ साथ जो है इनको बड़े अच्छे और बड़े आसान तरीके से पेवनी कर देते हैं। देखें, ये चार किस्म की इसमें एक बेर है, चार किस्म की इसमें जो है वो साथ ने इनकी जो सेटिंग कर दी है, कलमे चार कलमे लगाई है। तो ये अलग अलग किस्म के नस्ल के बेर होंगे एक बेर के ऊपर, तो यकीन जाने उस जो उस्ताद साहब को बहुत बड़ा कमाल है और तजर्बा भी है, काफ़ी जिंदगी इन्होंने गुजारी हुई है। अभी इसकी जो है 65 साल उम्र हो चुकी है, तो उस्ताद साहब बहुत माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने तहसील तौसा ज़िला डरआज खान, तो इनका अपना ये पूरा एरिया है तौसा शरीफ का, आप रब्ता कर सकते हैं जिसको भी सेटअप करवाना हो।